माही ने अपनी स्पीच में ना ही किसी वोट की भीख मांगी और ना ही कोई शॉकिंग न्यूज की अनाउंसमेंट की। उसने एक सिंपल सा छोटा एक्शन किया और सबसे सिर्फ थैंक यू कहा। अब उस बड़ी सी स्क्रीन पर ये फ्लैश हो रहा था, मोस्ट पॉपुलर मेल आर्टिस्ट नंबर वन माही सिन्हा, नेशनल मेल आइडल नंबर वन माही सिन्हा, मोस्ट डिजायर्ड मेल आर्टिस्ट नंबर वन माही सिन्हा, मोस्ट पॉपुलर फीमेल आर्टिस्ट नंबर वन माही सिन्हा, नेशनल क्रश नंबर वन माही सिन्हा। बड़ी सी स्क्रीन पर रैंकिंग का अपडेट देखने के बाद ऑफ स्टेज प्रिया कपूर की मैनेजर तुरंत उठकर खड़ी हो गई और उसने कहा, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया कपूर के चेहरे का रंग तो और भी ज्यादा उड़ा हुआ था, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने मन ही मन में कहा, डैम इट, क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं अपने हर एक काम में इस हद तक मेहनत कर रही हूँ, मगर इसके बावजूद भी मैं उस आउटडेटेड फीमेल स्टार की कंपैरिजन नहीं कर पा रही हूँ जो सिर्फ चाल चलना जानती है और हर चीज को सेंसेशनलाइज करना जानती है। इस पॉइंट पर जब कबीर ओबेरॉय ने बड़ी सी स्क्रीन पर सारे रैंकिंग देखे तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि माही ने उसे कोई बड़ा धोखा दे दिया था। इसके बारे में सोचते हुए कबीर ने मन ही मन में कहा, ब्लडी हेल, मैं तो यहाँ अपना शरीर बेचने के लिए भी तैयार हो गया, मगर मैं इस माही से तब भी हार गया जबकि उसने सिर्फ अपने शर्ट के दो बटन खोले थे। आखिर लोगों का लॉजिक कहाँ चला गया है, आखिर मैं किस इंसान के साथ कम्पीट कर रहा था। ऐसे में कबीर ओबेरॉय को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जो चीज इस सिचुएशन से भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी वो भी बहुत जल्द ही उसके साथ होने वाली थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा और इवेंट की रात खत्म होने को आ रही थी तो जल्द ही 6 मेल कैटेगरीज के रिजल्ट अनाउंस किए गए। मोस्ट एलिजिबल बैचलर की कैटेगरी का रिजल्ट जिसमें पूरा इंडिया इंक्लूडेड था वो था नंबर 1 पोजीशन पर विक्रम ओबेरॉय और नंबर 2 पोजीशन पर माही सिन्हा। एंटरटेनमेंट लाइफ मैगजीन के पॉल की कुल मिलाकर 12 रैंकिंग थी जिनमें से टॉप 6 कैटेगरी के विनर के नाम माही सिन्हा, माही सिन्हा, माही सिन्हा, माही सिन्हा, माही सिन्हा और विक्रम ओबेरॉय थे। जब कबीर ओबेरॉय ने इन दोनों नाम को एक साथ साइड बाय साइड देखा और जब उसने देखा कि इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर आधे देश को ऑक्यूपाई कर लिया था तो उसे ये दुख सहन नहीं हो पा रहा था। ये देखकर कबीर ने मन ही मन में कहा, इससे ज्यादा ट्रेजिक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इन दोनों ने तो इस बार हद ही पार कर दी है, इन दोनों की ये अफेक्शन तो काफी जहरीली है। वहीं दूसरी तरफ मोर पंख वाले घर पर प्रेम ओबेरॉय और विक्रम ओबेरॉय टेलीविजन के सामने बैठकर उस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे थे। क्योंकि बनी को अगले दिन स्कूल जाना था तो वो ना चाहते हुए भी सोने चला गया था। विक्रम ओबेरॉय ने अपना एक हाथ अपने चेहरे पर रखा और फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ टेलीविजन स्क्रीन की तरफ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रेम ओबेरॉय ने अपने एक हाथ में पॉपकॉर्न का बॉक्स पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में बाकी जंक फूड था। और इवेंट के दौरान बीच बीच में वो किसी फैन की तरह एक्साइटमेंट के मारे चिल्ला रहा था, ओह अब तो खेल खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मुझे लगता है कि भाभी के इस मेल आउटफिट में तो मुझे भी उनसे प्यार हो जाएगा, मेरी भाभी तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रही है। भैया सच कहूँ तो अगर मुझे आपके ओरिएंटेशन के बारे में पता नहीं होता तो मुझे भी इसी बात पर शक होता कि आप सच में गे हो। ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं होता कि हमारा बच्चा, बड़ी तो आप दोनों की जीन्स का ही एक कॉम्बिनेशन है, जरा सोचो जब वो बड़ा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। प्रेम ओबेरॉय इसी तरह घबराहट के मारे बोले जा रहा था। फाइनली 10 सेकंड के काउंटडाउन के बाद पॉल के रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस होने जा रहे थे। प्रेम ओबेरॉय अपनी सांसें थामकर अपने हाथों में चिप्स का पैकेट पकड़े टेलीविजन स्क्रीन को बड़े ध्यान से देख रहा था। जब उसने पॉल के फाइनल रिजल्ट को देखा तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन जम गया और उसने एक्साइटमेंट के मारे अपने हाथ में पकड़े चिप्स का पैकेट उठाकर फेंक दिया और इमोशनली रोने लगा। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब तो मेरे पास जिंदा रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, भाभी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, उन्होंने जानबूझकर ये सब किया है,
वो जानबूझकर स्क्रीन पर आपके साथ अपना नाम देखना चाहती थी। इतना बोलने के बाद प्रेम ओबेरॉय ने नाराज लगते हुए मन ही मन में कहा, आखिर ये इवेंट सेरेमनी देखते हुए भी मुझे इनके अफेक्शन से टॉर्चर क्यों होना पड़ रहा है? क्या भाभी के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं? वहीं दूसरी तरफ जब विक्रम ओबेरॉय ने उस बड़ी से टेलीविजन स्क्रीन पर दोनों विनर के नाम देखे और जब उसने देखा कि किस तरह माही ने झुककर अपने सारे फैंस को थैंक यू कहा, उसके चेहरे पर एक ऐसा नरम एक्सप्रेशन छा गया जैसे कि वो पानी की तरह काम था। माही को देखकर विक्रम ने मन ही मन में कहा, मेरी वाइफ हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती है और इमोशनल महसूस कराती है। रिजल्ट देखते हुए सबसे ज्यादा एक्साइटेड ग्रुप सिर्फ माही सिन्हा के फैन थे। वो काफी एक्साइटेडली लाइव स्ट्रीमिंग के चैनल पर चीयर कर रहे थे, यहाँ तक कि कई सारे पासर बाय भी इस माहौल से इन्फेक्टेड महसूस कर रहे थे और लोगों ने चिल्लाकर कमेंट करते हुए कहा, मेरी माही ब्रो तो काफी माइटी और डोमिनियरिंग है। माही ब्रो ने तो 30 मिलियन वोट के साथ इस रैंकिंग पोल को डोमिनेट किया। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी माही ब्रो जिंदगी भर इसी तरह हम सबको इम्प्रेस करती रहे। ऑफ स्टेज मौजूद राजीव पुरोहित ने जब उस बड़ी सी स्क्रीन पर रैंकिंग के शॉकिंग रिजल्ट्स को देखा और जब उसने सारे ऑडियंस वालों का और फैंस के रिएक्शन को देखा तो उसने मन ही मन एक चैन की सांस ली। उसे अपने फैसले पर बहुत तसल्ली हो रही थी कि उसने स्टार लाइट के सीईओ की बात नहीं मानी। इसके बारे में सोचते हुए राजीव पुरोहित ने मन ही मन में कहा, थैंकफुली थोड़े से पैसों के लिए मैं उस आदमी की बातों में नहीं आया। अगर मैं उसकी बात मान लेता तो मेरा करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। मगर इन बॉल की रैंकिंग के बाद मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और कोई मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। अब तो मुझे इस बात से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है कि आगे चलकर मेरे इनकम का सोर्स क्या होगा। वैसे भी इस पॉल में कैंडिडेट के जेंडर को डिफरेंशिएट करने का आइडिया भी मेरा ही था। जब स्टेज पर खड़े होस्ट ने रैंकिंग पॉल के रिजल्ट देखे तो उसने एक्साइटमेंट के मारे कहा, ओह माय गॉड, रिजल्ट तो सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। जब से पॉल के रैंकिंग की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अपने प्राइज कलेक्ट करने के लिए विनर को स्टेज पर इन्वाइट किया गया और सबसे पहले मेल विनर से शुरुआत की गई। माही को अकेले ही 3 अवार्ड मिले, वही 3 अवार्ड्स जिसके पीछे कबीर ओबेरॉय पागलों की तरह मेहनत कर रहा था। वही कबीर ओबेरॉय जिसे एक भी अवार्ड नहीं मिला और वो अब अपने वजूद को लेकर डाउट कर रहा था। उसने इरिटेटेड लगते हुए कहा, व्हाट द हेल, अब मैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्विट करना चाहता हूँ। शायद अब मेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं बची। कबीर ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर महेंद्र धीरे से खांसने लगा और फिर उसने कबीर को कंफर्ट करते हुए कहा, वेल सेकंड प्राइज मिलना इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। महेंद्र की कही ये बात सुनकर कबीर और ज्यादा नाराज लगने लगा और उसने महेंद्र की तरफ घूर कर देखते हुए उससे कहा, उस चुड़ैल के पीछे रहने में अच्छा ही क्या है, जरा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट पर इन नालायक फैंस को देखो। ऐसा लग रहा है कि माही को चीयर करते हुए ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आई? दूसरी तरफ आज रात रतन घोसला कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था और किसी हार्ड कोर फैन की तरह वो स्टेज पर खड़ी माही की तरफ देख रहा था और उसने कहा, मेरी क्वीन सबसे बेस्ट है, अब फाइनली रतन घोसला की बारी आ चुकी है। रतन ने मुस्कुराकर मन ही मन में कहा, माही मेरी आज तक की सबसे बेस्ट आर्टिस्ट है। स्टेज पर खड़े होस्ट ने माही की तरफ देखकर कहा, माही सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सारे लड़कों को हरा दिया और 3 बड़े मेल कैटेगरी के टॉप पर पहुंची। इसके अलावा मोस्ट एलिजिबल बैचलर की कैटेगरी में भी आपको सेकंड पोजीशन मिली। मिस्टर विक्रम ओबेरॉय के साथ सेम रैंकिंग में रहकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि होस्ट ये बात अच्छी तरह से जानता था कि विक्रम ओबेरॉय खुद अपना अवार्ड लेने वहां पर कभी नहीं जाएगा, मगर वो विक्रम ओबेरॉय के बारे में बात करने के मौके को कभी जाने नहीं देना चाहता था। होस्ट का सवाल सुनकर माही ने मुस्कुराकर मन ही मन में कहा,
विक्रम ओबेरॉय के साथ सेम रैंकिंग पर रहना मुझे इस वक्त बहुत ही अमेजिंग महसूस हो रहा है। मैं तो अपनी खुशी बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे काफी मिस्टीरियस महसूस हो रहा है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मुझे इस बार के लिए खुद को कसकर थप्पड़ मारना चाहिए कि मैंने विक्रम से अभी कुछ ही दिन पहले ये कहा था कि मेरे कुछ ज्यादा ही रोमांटिक राइवल्स हैं। इसके बारे में सोचते हुए माही ने बड़े ध्यान से अपने शब्दों को चुनते हुए होस्ट के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा नाम यहाँ पर मिस्टर विक्रम ओबेरॉय के साथ दिखाया जा रहा है। हालांकि माही का जवाब काफी पॉलिटिकली करेक्ट था, मगर असल में वो ये कहना चाहती थी कि आगे आने वाले सालों में उसका नाम विक्रम के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा हुआ दिखाई देगा। एक तरफ जहां रतन खोसला और महेंद्र को माही और विक्रम ओबेरॉय के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वहीं दूसरी तरफ अभिनव बिंद्रा और कबीर ओबेरॉय अब माही के एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन से काफी इरिटेटेड लगने लगे थे। जल्दी ही अब बारी फीमेल कैटेगरीज के विनर को प्राइज देने की आ चुकी थी, मगर तभी अचानक रतन ने नोटिस किया कि स्ट्रीमिंग साइट पर कुछ लोग रिजल्ट को लेकर अपनी नाराजगी जताने लगे थे। लोगों ने लिखा, ये सब क्या हो रहा है? आखिर एंटरटेनमेंट लाइट के लोग कर क्या रहे हैं? उन्होंने मेल कैटेगरी में एक औरत को जीतने कैसे दिया? ये सब बकवास है। सिर्फ इतना ही नहीं, फीमेल कैटेगरी में भी बहुत नाइंसाफी हुई है। मुझे तो लगता है कि मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट और नेशनल क्रश के टाइटल का अवार्ड प्रिया कपूर को मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रिया कपूर ही हमारी असली नेशनल क्रश है। क्या ये लोग अंधे हो चुके हैं? आखिर उस आधे मर्द और आधी औरत माही सिन्हा में अच्छा ही क्या है? सारे कमेंट को देखकर ये बात तो साफ जाहिर है कि स्टारलाइट की टीम चुपके से ये सब करवा रही थी। माना कि कबीर ओबेरॉय कुछ ही देर पहले माही को लेकर काफी शिकायत कर रहा था, मगर जैसे ही उसने ऐसे कमेंट पढ़े उसने एकदम से साइड बदल दी और उसने कहा, ये लोग वाकई में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हैं। ऐसे में कबीर बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। अब वो बस उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब ये लोग अपने शब्द वापस लेने के लिए टूट पड़ेंगे। स्टेज पर खड़े होस्ट ने अनाउंस करते हुए कहा, हमने हमारे बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड दे दिया है और अब हम मोस्ट पॉपुलर फीमेल आर्टिस्ट और नेशनल क्रश के अवार्ड को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि माही सिन्हा इन दोनों अवार्ड की विजेता हैं, तो हम उन्हें ये दोनों अवार्ड्स एक साथ देना चाहते हैं। एक बार फिर से मैं मिस माही सिन्हा को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा। जैसे ही होस्ट ने माही सिन्हा को स्टेज पर इनवाइट किया तो पीछे से एक इंसान धीरे से बाहर निकली। ब्लरी बैकलाइट के बीच एक व्हाइट फिगर ऑडियंस के सामने आई और जल्द ही सब लोग क्लियरली उस इंसान को देख पा रहे थे। इस पॉइंट पर किसी ने भी कोई आवाज नहीं निकाली और लोगों ने देखा कि उस हाई और माइटी किंग फैंटम ने अपना मेल आउटफिट निकाल दिया था और अब वो अपने असली रूप में वापस लौट आई थी। स्टेज पर सबके सामने खड़े होकर इस वक्त माही ने अपने सैक क्लॉथ वाली ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, बल्कि उसने तो इस वक्त अपने सोल ब्रांड का एक हाईलाइट पीस बादल पहना हुआ था। आफ्टर ऑल, क्योंकि कबीर ओबेरॉय था तो एक मर्द ही, तो जैसे ही उसने माही को अपने यूजुअल फीमेल आउटफिट में देखा तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया। माही को इस तरह देखकर उसके गाल लाल पड़ गए और वो माही को अलग नजरों से देखने लगा। इसके बावजूद भी वो अपनी फीलिंग को दबाने की कोशिश कर रहा था और उसने धीमी आवाज में कहा, ये ड्रेस इतनी भी ज्यादा मजेदार नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी चींटी को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल कर रही है। अपनी असली स्ट्रेंथ को एग्जीबिशन करना ही लोगों का मुंह बंद करने का सबसे अच्छा तरीका था। जो कोई भी माही को क्रिटिसाइज कर रहा था वो माही की अपीयरेंस को देखने के बाद एकदम से शांत पड़ गए और मेजॉरिटी में कई सारे सपोर्टर्स एक साथ माही को चीयर करते हुए कमेंट करने लगे, मेरी माही तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब तो मैं ये भी नहीं जानती कि मुझे मर्द पसंद है या फिर औरतें। क्या मैं जान सकती हूँ कि माही ने इस वक्त किस ब्रांड की ड्रेस पहनी हुई है? मैंने इससे पहले इस ड्रेस को कभी नहीं देखा। माही की यह ड्रेस तो प्रिया कपूर की आउटफिट से भी बहुत ज्यादा बेहतर लग रही है। हालांकि प्रिया ने जो कुछ भी पहना है वो अच्छा तो लग रहा है, मगर उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हाल ही में बहुत अमीर बन गई है।
मुझे पता है। माही ने सोल ब्रांड की ड्रेस पहनी हुई है। माही हमेशा से ही सोल ब्रांड के लॉयल फैन रही है। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? माही ने ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की एनिवर्सरी पर सोल ब्रांड का दूसरा हाईलाइट पीस अस्तित्व पहना हुआ था। गोल्डन फिल्म अवार्ड की सेरेमनी पर माही ने सोल ब्रांड के डिजाइनर का सबसे बेहतरीन डिजाइन स्वर्ग का पुनर्जन्म पहना हुआ था। और इस वक्त माही ने सोल ब्रांड की सेकंड हाईलाइट पीस पहनी हुई है, जिसका नाम बादल है। बादल डिजाइन सोल ब्रांड के लीड डिजाइनर और मास्टर तेजपाल कुंद्रा का एक बेहतरीन कोलैबोरेशन है। यहाँ तक कि जो व्हाइट कलर की ड्रेस माही ब्रो ने ये दुनिया टीवी सीरीज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पहनी थी, वो सोल ब्रांड के नई सीरीज के कलेक्शन में से है, जिसका नाम बैक टू द ओरिजिन है। मगर मैंने आज से पहले वो ड्रेस कभी नहीं देखी जो माही ब्रो ने इस इवेंट की शुरुआत में पहनी थी। वो सैकक्लॉथ वाली ड्रेस शायद सोल ब्रांड की ही कोई नई सीरीज होगी जो अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है माही वाकई में सोल ब्रांड की काफी डाई हार्ट फैन है। मुझे याद है कि सोल ब्रांड पहले काफी पॉपुलर हुआ करता था, और तो और उनके कई सारी रीसेंट रिलीजेस भी कुछ ज्यादा ही इम्प्रेसिव लग रही हैं। कई सारे फैंस ने माही के आउटफिट को डिस्कस करते हुए सोल ब्रांड की बात छेड़ी, और अचानक सोल ब्रांड फिर से लोगों की नजरों के सामने आने लगा। एक तरह से ये सोल ब्रांड के लिए फ्री प्रमोशन और बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। देखते ही देखते फाइनली नाइट ऑफ स्टारलाइट का इवेंट खत्म हो गया। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की टीम ने बाजी पलटने के सारे मौके गवा दिए। वहीं दूसरी तरफ आधी रात के करीब किसी हॉस्पिटल में रागिनी को ऑलरेडी कंपनी से अपने हार की खबर मिल चुकी थी, और उसने सोफे पर बैठे इरिटेटेड लगते हुए कहा, ये लोग सच में कितने निकम्मे हैं। रागिनी काफी परेशान लग रही थी, और उसने मन ही मन में कहा, हमने कितने सारे रिसोर्सेस इन्वेस्ट किए हैं, मगर हम एक आउटडेटेड स्टार के आगे हार गए। ग्लोरी वर्ल्ड की टीम के सामने हारने का मतलब ये है कि हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है। मगर इस वक्त मेरे पास स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के इशू को सॉल्व करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे और भी कई चीजें संभालनी पड़ती हैं। रागिनी काफी इम्पेशेंटली अपने फोन की तरफ देख रही थी, और डॉक्टर के डायग्नोसिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद एक फीमेल डॉक्टर, जिसकी उम्र करीब 50 साल की लग रही थी, वो रागिनी के पास गई। उस डॉक्टर ने रागिनी की तरफ एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देखा जो कि कुछ खास पॉजिटिव नहीं लग रहा था, और उसने रागिनी से कहा, मिसेज रागिनी बर्मन, आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। जब रागिनी ने उस डॉक्टर की बॉडी लैंग्वेज को देखा तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन काला पड़ गया, और उसने उस डॉक्टर से पूछा, क्या मैं अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ? रागिनी की ये बात सुनकर डॉक्टर ने हामी भरते हुए कहा, जी। फिर उस डॉक्टर ने रागिनी को कंफर्ट करने की कोशिश करते हुए कहा, मगर मिसेस बर्मन, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल, अब आपकी उम्र ही क्या है, आपकी शादी को भी तो सिर्फ एक ही साल हुआ है। आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आगे चलकर आपके प्रेग्नेंट बनने के चांसेस आते रहेंगे। डॉक्टर की कही ऐसी बात सुनकर रागिनी काफी इरिटेटेड लगने लगी, और वो मन ही मन हंसने लगी। रागिनी ने मन ही मन में कहा, इन्हें लगता है कि इंतजार करना इतना आसान है। अगर मैं इसी तरह इंतजार करती रही तो जल्द ही लोग मुझे मिसेस बर्मन के नाम से पुकारना बंद कर देंगे। नाइट ऑफ स्टारलाइट खत्म हो चुकी थी, और ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ने ये जंग जीत ली थी। मगर ये बात जाहिर थी कि कुछ लोग इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे। बैकस्टेज वाले ड्रेसिंग रूम के अंदर कबीर ओबेरॉय बहुत ज्यादा नाराज लग रहा था, और उसने माही की तरफ देखकर कहा, माही, तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम कोई इंसान नहीं हो। आज तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज और अभी से हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। कबीर ओबेरॉय ने नाराज लगते हुए मन ही मन में कहा, इस डिप्लोमेट क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था, वहां पर मैंने इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग देखी, और मुझे पता चला कि ये इवेंट आज रात आपके लिए काफी खास रहा। आई होप मेरे यहाँ पर इस तरह आने से आपको कोई परेशानी नहीं हुई। मोहन ने अपने आने की वजह माही को एक्सप्लेन की, और माही ने पोलाइटली मुस्कुराते हुए उससे कहा, जी बिल्कुल भी नहीं,
आपका यहाँ पर स्वागत है। मुझे फूल सच में बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच। माही ने जो फूल अपने हाथ में पकड़े हुए थे उससे एक मीठी खुशबू का एहसास हो रहा था और माही को बहुत फ्रेश फील हो रहा था। मोहन ने फिर माही की तरफ देखकर उससे कहा, वैसे ये फूल इस शहर में मिलते नहीं है, क्योंकि मुझे आपके इवेंट के बारे में लास्ट मिनट पर पता चला तो मैं ऐसे किसी के बगीचे से चुरा कर ले आया हूँ। ये बात साफ जाहिर थी कि माही जानती थी कि मोहन मजाक कर रहा था, मगर इसके बावजूद भी वो काफी सरप्राइज लग रही थी। मगर फिर जब माही को याद आया कि मोहन का पेशा क्या था तो वो समझ गई कि उसका इस तरह की बातें करना काफी नॉर्मल था। जब कबीर ओबेरॉय ने अपने सामने खड़े उस अनजान आदमी को देखा तो वो अपने यूजुअल अंदाज से एकदम से किसी शेर की तरह बन गया और एकदम से हाई अलर्ट पर बिहेव करने लगा। माही ने उन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हुए मोहन से कहा, ये मेरे सीनियर मिस्टर कबीर ओबेरॉय हैं। मोहन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने कबीर से कहा, हेलो, मेरा नाम मोहन शर्मा है। इतना कहने के बाद मोहन ने फिर कहा, मिस्टर कबीर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आफ्टर ऑल आप बहुत ज्यादा फेमस हो और मेरे कुछ कजन्स आपके बहुत बड़े फैन हैं। मोहन की कही ये बात सुनकर कबीर ने मन ही मन में कहा, ये आदमी तो मीठी छुरी निकला। फिर कबीर ने आधे मन से अपना हाथ आगे बढ़ाकर हैंडशेक किया और फिर उसने मोहन से कहा, थैंक यू। थोड़ी देर तक बात करने के बाद मोहन वहां से चला गया। जैसे ही मोहन वहां से निकला, कबीर ओबेरॉय ने तुरंत माही की तरफ देखकर उससे पूछा, कौन था वो आदमी? जब माही ने कबीर का ऐसा अजीब बर्ताव देखा तो उसने जवाब देते हुए कबीर से कहा, वो मेरी मामी जी के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। वो पेशे से एक डिप्लोमेट ऑफिसर है, मगर तुम्हें क्या हुआ? कबीर ओबेरॉय ने फिर धीमी आवाज में जवाब देते हुए माही से कहा, कुछ नहीं, मुझे बस वो थोड़ा सा अजीब लगा। क्या वो तुम्हें पसंद करता है? ये सुनकर माही ने कैजुअली जवाब देते हुए कबीर से कहा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। उस आदमी ने तो पूरी दुनिया घूमी हुई है और उसने हर तरह की खूबसूरत लड़कियों को देखा है, भला वो मुझे पसंद क्यों करेगा? इतना कहने के बाद माही खुशी खुशी विक्रम ओबेरॉय को मैसेज करने लगी। माही के कही बात सुनने के बाद भी कबीर ओबेरॉय को ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ अजीब था। मोहन शर्मा के बारे में सोचते हुए कबीर ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा, इस आदमी ने काफी तरीके से बात की और जिस तरह से वो माही की तरफ देख रहा था वो भी काफी नॉर्मल था, मगर क्योंकि उसका बर्ताव कुछ ज्यादा ही नॉर्मल था तो मुझे इसीलिए दाल में कुछ काला लग रहा है। जैसे ही कबीर माही से और सवाल पूछने जा रहा था तभी अचानक उसने देखा कि माही ने विक्रम को एक मैसेज भेजा जिसमें ये लिखा हुआ था, डार्लिंग, इस लाइफ टाइम में आप देखोगे कि हम दोनों का नाम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ लिखा जाएगा। जब कबीर ने विक्रम ओबेरॉय के लिए माही का ये मैसेज पढ़ा तो उसने इरिटेटेड लगते हुए मन ही मन में कहा, अरे अरे अरे, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मुझे तो किसी चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये लड़की तो मुझे विक्रम अंकल के लिए अपना अफेक्शन दिखाकर टॉर्चर कर रही है, मगर मुझे फिर भी थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है। ये लड़की तो अपने डार्लिंग विक्रम के प्यार में अंधी हो चुकी है, तो इसीलिए अगर किसी और आदमी को इसमें इंटरेस्ट हो तब भी माही इस बात को कभी रियलाइज ही नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ मोर पंख वाले घर पर जब विक्रम ओबेरॉय ने अपने फोन पर माही का वो टेक्स्ट मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखों में नरमी छा गई। कुछ देर के बाद विक्रम उठकर खड़ा हुआ और वो ऊपर वाले कमरे में गया। जब विक्रम वापस नीचे लौटा तो प्रेम ओबेरॉय के हाथ में जो ऑरेंज जूस था वो पीछे मुड़ने की वजह से उसके हाथ से स्लिप हो गया और उसकी पैंट पर गिर गया। अपने भाई विक्रम ओबेरॉय को देखकर प्रेम की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने मन ही मन में कहा, ओह माय गॉड, मेरे भैया तो कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। उन्होंने तो आज वही टक्सीडो सूट पहना है जो माही भाभी ने उन्हें गिफ्ट किया था। इस सूट का डिजाइन तो वाकई में काफी यूनिक है और इसका कलर कुछ ज्यादा ही ब्राइट है। माही भाभी की एस्थेटिक्स हमेशा से ही काफी फ्लैशी रही है। मेरे भाई को तो बस इस टक्सीडो सूट को पहनने की देर थी और वो इसे पहनते ही इतने ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं
कि वो कोई दूसरे इंसान बन चुके हैं। अपने भाई का नया रूप देखकर प्रेम ओबेरॉय ने एक्साइटेडली उससे पूछा, अरे भैया इतनी देर रात हो चुकी है, आप इस तरह के कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? विक्रम ओबेरॉय ने अपनी शर्ट का कॉलर सही करते हुए प्रेम से कहा, मेरे लिए बने का ख्याल रखना, मैं कल सुबह तक वापस लौट आऊंगा। अपने भाई की ऐसी बात सुनकर प्रेम ओबेरॉय की आंखों में आंसू भरने लगे और उसने इमोशनल लगते हुए विक्रम ओबेरॉय से पूछा, क्या आप भाभी के साथ डेट पर जा रहे हो? विक्रम ओबेरॉय ने तुरंत हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। ये देखकर प्रेम ओबेरॉय की बोलती बंद हो गई और वो काफी हैरान लगने लगा। उसने फिर मन ही मन में कहा, जिस बात को लेकर मुझे डर था अब उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रेम ओबेरॉय ने अपने टूटे हुए दिल को संभालने की कोशिश करते हुए अपने भाई से पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हो? आप कितनी देर के लिए बाहर रहोगे? आप वापस कब लौटोगे? और जब आप वापस लौटोगे तो क्या तब भी आप मुझसे प्यार करोगे? विक्रम ओबेरॉय ने अपने भाई प्रेम ओबेरॉय की तरफ घूर कर देखा जो मेलोड्रामेटिक बन रहा था और उसने अपने भाई प्रेम से कहा, मैंने फ्रिज में तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाकर रखा है। अपने भाई विक्रम ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर प्रेम की आंखें चमकने लगी और उसने मन ही मन में कहा, मेरा गाजर का हलवा, उफ, मेरे भाई की कुकिंग स्किल्स तो दिन ब दिन काफी बेहतर होती जा रही है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि भैया तो जल्दी भाभी को भी पीछे छोड़ देंगे। ओ, मेरा भाई अभी भी मुझसे बहुत प्यार करता है। इतना कुछ सोचने के बाद प्रेम ओबेरॉय अचानक काफी खुश लगने लगा और उसने अपने भाई की तरफ देखकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं एक जिम्मेदार इंसान की तरह घर पर रहकर बनी का ख्याल रखूंगा, आप जाओ और मजे करो, अगर आपको देर भी हो जाती है तो कोई बात नहीं। प्रेम ओबेरॉय ने फिर मुस्कुराकर मन ही मन में कहा, इनफैक्ट भैया को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों कल तक तो वापस बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। उफ, मैं कितना स्मार्ट हूँ, आखिर मुझ जैसा भाई तो नसीब वालों को ही मिलता है। वहीं दूसरी तरफ इवेंट के बैक स्टेज पर माही ने एक पेस्टल पिंक कलर की क्यूट सी ड्रेस पहन ली थी और उसने कबीर की तरफ देखकर कहा, मेरे प्यारे भतीजे तुम अभी अकेले ही चले जाओ, आज रात मेरी एक स्पेशल डेट है। माही की कही ये बात सुनकर कबीर काफी जलन महसूस करने लगा और फिर उसने माही से कहा, तुम्हारे साथ कौन जाना चाहता है, मेरी भी एक डेट है। ये सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए कबीर से कहा, अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है मजे करो, बाय बाय। जब कबीर ओबेरॉय माही को खुद से दूर जाते हुए देख रहा था तो उसके चेहरे का गुस्से भरा एक्सप्रेशन अचानक एकदम से गायब हो गया और उसका दिल बुरी तरह से दुखने लगा। उसने नाराज लगते हुए मन ही मन में कहा, मैं इतना हैंडसम हूँ, क्या तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं हो? प्यार का एहसास वाकई में काफी बुरा होता है। वेन्यू से बाहर निकलने के बाद जैसे ही माही कार के अंदर जाकर बैठी और जब उसने विक्रम ओबेरॉय को ड्राइवर सीट पर देखा तो उसने तुरंत विक्रम को गले लगाते हुए मुस्कुरा कर उससे कहा, ओ डार्लिंग, आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। जब विक्रम ने माही का इतना स्वीट बिहेवियर देखा तो उसने माही के सर पर किस किया और उसने मुस्कुराते हुए माही की तरफ देखकर उससे कहा, हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह थोड़ी दूर है तो मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए, जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। विक्रम की कही ये बात सुनकर माही काफी एक्साइटेड लगने लगी और उसने विक्रम से पूछा, आप मुझे कहां ले जा रहे हो? माही के इस सवाल पर विक्रम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उसने सिर्फ अपना गला साफ किया और वो थोड़ा सा अलग बर्ताव कर रहा था। विक्रम काफी रेयरली इस तरह बर्ताव किया करता था तो इसीलिए माही एक गहरी सोच में पड़ गई और फिर अचानक उसके मन में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी जगने लगी। माही ने मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहा, विक्रम मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं, आखिर वो मुझे कहां ले जा रहे हैं? शुरुआत में तो माही विक्रम को कंपनी देना चाहती थी मगर क्योंकि वो पूरे दिन काफी बिजी रही तो इसीलिए थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में सो गई। जब वो अपनी नींद से जगी तो उसे इस बात का एहसास हुआ
की कार धीरे धीरे करके रुकने जा रही थी। माही ने अपनी आंखों को मलते हुए विक्रम से पूछा, क्या हम पहुंच गए हैं? मगर जैसे ही माही अपनी आंखें खोलने जा रही थी, तभी अचानक विक्रम ने ध्यान से माही की आंखों को बंद करते हुए उससे कहा, सबसे पहले तो अपनी आंखें बंद करो। इस बात से माही अचानक होश में आ गई और उसने विक्रम की बात मानते हुए अपना सर हिलाया, मगर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गाड़ी का दरवाजा खुला और विक्रम ने ध्यान से माही का हाथ पकड़कर उसे एक एक कदम आगे बढ़ाया। पैरों के नीचे की जमीन माही को बहुत सॉफ्ट महसूस हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मिट्टी पर चल रही थी। उसकी सांसों में पेड़ पत्तों की और रात की फ्रेश हवा की खुशबू महक रही थी और हवाओं की आवाज उसके कानों में बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। हालांकि माही की आंखें बंद थी और उसके सामने सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था, मगर इस जाने पहचाने माहौल में और अपने पास की नरमी की वजह से वो पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस कर रही थी और अपने आसपास की हर एक चीज को फील कर पा रही थी। वो दोनों काफी देर तक चलते रहे और माही को इस बात का एहसास होने लगा कि उसके पैरों के नीचे जो सॉफ्ट एहसास था वो अचानक बदलने लगा और उसे ऐसा लगा कि वो किसी और जगह पर पहुंच गई थी और उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे कि माही किसी वुडन ब्रिज के बीच मौजूद थी। तभी अचानक विक्रम की धीमी आवाज सुनाई दी और उसने माही से कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। विक्रम की ये बात सुनकर माही अचानक रुक गई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। अपने सामने का नजारा देखकर माही की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विक्रम उसे ऐसी जगह पर ले आएगा जो कि किसी बैम्बू फॉरेस्ट की तरह लग रहा था। जिस हवा के लहराने की आवाज वो सुन रही थी वो इसी बैम्बू फॉरेस्ट से ही आ रही थी। माही ने देखा कि पेड़ों के आसपास जुगनू घूम रहे थे जिसकी वजह से ये नजारा माही के लिए एक सपना जैसा लग रहा था। उसके पैरों के नीचे उसने देखा कि एक छोटी सी झील जिस पर तारों की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी वो भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। माही ने देखा कि उस जंगल के पीछे एक सिंपल कोर्ट यार्ड बना हुआ था जहां पर इस वक्त हल्की वार्म लाइट जली हुई थी। जिस चीज की वजह से माही और ज्यादा हैरान लग रही थी वो ये था कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि उसी का ही गांव था। वो इस वक्त एग्जैक्टली अपने गांव के बैम्बू फॉरेस्ट पर ही खड़ी हुई थी। जिस रात को माही को ड्रग किया गया था और विक्रम उससे बातें कर रहा था, तब माही ने उसे इस बैम्बू फॉरेस्ट के बारे में बताया था। माही ने उसे ये कहा था कि वो इस बैम्बू फॉरेस्ट में अपने पति के साथ वक्त बिताना चाहेगी क्योंकि उसे ये बहुत रोमांटिक लगता था। अपने सामने का नजारा हकीकत में देखकर माही ने हैरान लगते हुए मन ही मन में कहा, आज से पहले मैंने यहाँ पर कभी कोई बिल्डिंग नहीं देखी और ये छोटा सा कोर्टयार्ड आज से पहले यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। हालांकि मैंने यहाँ पर पहले भी इन जुगनों को देखा था मगर ये काफी कम हुआ करते थे, मगर आज तो मेरी आंखों के सामने इतने सारे जुगनू चमक रहे हैं। आखिर विक्रम ने इसे बनाने की तैयारी कब शुरू की? मैं तो अपनी फीलिंग बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। विक्रम जो कि हमेशा से ही काफी सीरियस, ओल्ड फैशन और डल रहा है, उसने आज सिर्फ मेरे लिए ऐसी कोई चीज की जो उसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। माही के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर विक्रम काफी नर्वस लगने लगा और उसने माही से पूछा, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? जैसे ही विक्रम ने अपना ये सवाल पूछा तभी अचानक माही ने उसे कसकर गले लगाया और उसे बड़े प्यार से किस किया। माही के इस रिएक्शन की वजह से विक्रम की पीठ सीधी हो गई और उसने माही को कसकर गले लगाया। फिर उसने बड़े प्यार से माही की किस को लौटाया। माही ने विक्रम की तरफ देखकर उससे पूछा, आपने इसकी तैयारी करना कब शुरू किया? विक्रम ने जवाब देते हुए माही से कहा, मुझे ठीक से याद नहीं है मगर जब तुम कोमा में थे मैंने तभी ये सब शुरू कर लिया था। ये सुनकर माही के दिल में कई सारे इमोशन जगने लगे और उसने विक्रम को गले लगाते हुए उससे कहा, थैंक यू सो मच विक्रम, मुझे ये बहुत अच्छा लगा।
मुझे ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। विक्रम ने फिर अपना गला साफ करते हुए माही से कहा, पहले मैं यहाँ पर दरअसल तुम्हारे साथ। हालांकि विक्रम ने अपनी बात पूरी नहीं की, मगर माही उसके कहने का मतलब तुरंत समझ गई और उसने मन ही मन में कहा, मेरा डार्लिंग विक्रम मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे लिए इतनी तैयारी इसीलिए की क्योंकि वो शादी के बाद मेरे साथ पहली रात यहाँ पर गुजारना चाहते थे, मगर उस दिन मेरी यूनिफॉर्म और मेरे बर्ताव की वजह से हमारा फर्स्ट टाइम तो उनके ऑफिस में ही हो गया। इसके बारे में सोचते हुए माही हंसने लगी और उसने विक्रम की तरफ देखकर कहा, जब तक आप मेरे साथ हो तो मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि हम कहां पर हैं। हमारे पास हम दोनों की पूरी जिंदगी पड़ी है, हम और भी कई सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सुनकर विक्रम ने माही को कसकर गले लगाया और फिर माही ने चमकती हुई आंखों से विक्रम की तरफ देखकर उससे पूछा, डार्लिंग क्या आज रात को हम यहाँ पर ट्राई करने जा रहे हैं? माही का सवाल सुनने के बाद विक्रम ओबेरॉय की आवाज बदल गई और उसने धीमी आवाज में माही से कहा, यहाँ पर कभी और ट्राई करेंगे, आज रात को बहुत देर हो चुकी है और तुम्हें भी आराम करने की जरूरत है। विक्रम की कही ये बात सुनकर माही की बोलती अचानक बंद हो गई और उसने मन ही मन में कहा, विक्रम मुझे आधी रात को इतनी दूर सिर्फ इसीलिए ले आए क्योंकि वो मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। इसके बारे में सोचकर माही ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया और वो उसके साथ बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर वाले कोर्ट यार्ड की तरफ जाने लगी। माही ने फिर विक्रम से कहा, अच्छा ठीक है, आज हम आराम करेंगे, हम साथ में मिलकर आराम करेंगे। वैसे भी इतनी देर तक ड्राइव करने के बाद आप भी थक गए होंगे। इतना कहने के बाद माही ने मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहा, एक बार हम दोनों उस कोर्टयार्ड के अंदर चले गए तब विक्रम खुद को कैसे रोकेंगे, क्या आज मैं उन्हें किस करूंगी? उफ, मुझे तो लगता है कि मैं विक्रम के साथ कुछ ज्यादा ही नॉटी बनने लगी हूँ। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर गए तभी अचानक माही दोबारा काफी हैरान लगने लगी। माही ने देखा कि मास्टर बेडरूम की छत पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनाई गई थी। उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के जरिए अपने बेड पर लेते हुए वो ब्राइट और तारों भरे आसमान को देख पा रही थी। खिड़की के बाहर वो हवा की वही मीठी धुन सुन पा रही थी। उनका जो बेड था वो किसी बर्ड नेस्ट की शेप में बनाया गया था और उस पर प्योर व्हाइट कलर का मैट्रेस बिछा हुआ था जो बादलों जितना सॉफ्ट था। ये सब देखने के बाद माही ने विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, ये सब इतना ज्यादा सुंदर है मगर मेरे विक्रम का कंपैरिजन किसी चीज से नहीं हो सकता। विक्रम जो कि बेड के सामने खड़ा हुआ था वो एक एक करके अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। माही बिना अपनी पलकें झपकाए विक्रम को देख रही थी और उसने मन ही मन में कहा, बिना ट्राई किए तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्या विक्रम मुझे देख भी नहीं रहे हैं? मुझे तो लगता है कि विक्रम के सामने मेल आउटफिट में मैं भी कहीं नहीं दिख पाऊंगी। अगर लोग ये देख लेते कि किस तरह विक्रम अपने शर्ट के बटन को खोल रहे हैं तो सबके सब पागल हो जाएंगे, और अगर लोगों को ये बात पता चल गई कि उनके मोस्ट एलिजिबल बैचलर नंबर 1 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर नंबर 2 पहले से ही एक दूसरे से शादी कर चुके हैं, फिर तो सच में बवाल मच जाएगा। विक्रम ओबेरॉय ने अपने कपड़े बदल लिए और फिर उसने देखा कि माही बेड पर आराम से लेटी हुई थी और उसका इंतजार कर रही थी। जब माही ने देखा कि विक्रम पलट चुका था तो उसने अपने पास वाली जगह पर इस तरह थपथपाया जैसे कि वो उसे ये कह रही थी कि वो दोनों बिना शैतानी के एक साथ सो सकते थे। मगर माही की आंखों में जो चमक दिखाई दे रही थी वो विक्रम को कोई और ही कहानी बयां कर रही थी। माही का ऐसा बर्ताव देखकर विक्रम मुस्कुराने लगा और उसने प्यार से माही के गाल को सहलाते हुए पूछा, क्या तुम्हें थकान महसूस नहीं हो रही? विक्रम का ये सवाल सुनकर माही ने तेजी से अपना सर हिलाया और उसने जवाब देते हुए विक्रम से कहा, ओ प्लीज, आप तो मुझे इस तरह छेड़ रहे हो, ऐसे में अगर मैं थककर टूट भी रही होती तब भी मैं बहुत एक्टिव फील करने लगती।
माही की कही ये बात सुनकर विक्रम काफी कंफ्यूज लगने लगा और उसने मन ही मन में कहा, भला मैंने माही को कब छेड़ा। विक्रम ने फिर माही के बालों को सहलाते हुए उससे कहा, मेरे उम्र तुमसे ज्यादा है, ऐसा एक दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगूंगा। विक्रम ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर माही काफी हैरान लगने लगी और उसने मन ही मन में कहा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि विक्रम के मन में भी इस तरह के इनसिक्योर ख्याल आते हैं। माही ने विक्रम की तरफ देखकर उससे कहा, तो क्या हुआ, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई सारे हैंडसम और गुड लुकिंग लड़के हैं, मगर क्या मैं उनके गुड लुक्स को खा जाऊंगी। चाहे जो भी बात हो, अगर कोई हैंडसम है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी मुझ जितना हैंडसम नहीं हो सकता। माही विक्रम से ये कहना चाहती थी कि अब वो ऑफिशियली हर कैटेगरी में नंबर वन मेल आर्टिस्ट बन चुकी थी। माही की कही ये बात सुनकर विक्रम की बोलती बंद हो गई और उसने मन ही मन में कहा, उफ, मैं इस लड़की की बातों से कभी जीत नहीं पाऊंगा। आमतौर पर मैंने सुना है कि लड़कियां अपने पति को कंफर्ट करते हुए ये बोलती हैं कि वो भी कभी ना कभी बूढ़ी हो जाएंगी, मगर सिर्फ माही ही ये बात कह सकती है कि कोई भी उसके जितना हैंडसम नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी गुड लुकिंग क्यों ना हो। ऐसे में माही की बातों पर रिफ्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे जो भी बात हो, मैं माही के इस एरोगेंट स्टाइल को बहुत पसंद करता हूँ। विक्रम ओबेरॉय ने मुस्कुराकर माही की तरफ देखते हुए उससे कहा, ये बात तो बिल्कुल सच है, वैसे भी मेरी वाइफ कभी गलत नहीं हो सकती। विक्रम ने प्यार से हंसते हुए माही को गले लगाया और फिर उसने माही के कॉलर को पकड़ लिया। जिस तरह से माही के आउटफिट को डिजाइन किया गया था, उसमें कॉलर पर ही 10 बटन लगे हुए थे। इनफैक्ट हर एक बटन काफी छोटा और डेलिकेट था और उसे खोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। विक्रम ने फिर माही को प्यार से फोरहेड पर किस किया और फिर उसकी नाक पर, उसके होठों पर, उसके गालों पर और उसके गाल पर किस करते हुए विक्रम काफी पेशेंटली एक एक करके माही के कॉलर का हर एक बटन खोल रहा था। बटन खोलते हुए जब भी उसकी उंगलियां माही की स्किन को छू रही थी तो उसे एक अजीब सा करंट महसूस हो रहा था। विक्रम जानबूझकर अपना हर एक एक्शन काफी स्लो मेंटेन कर रहा था। विक्रम ने मन ही मन में कहा, पहली बार जब मैंने माही के साथ रात गुजारी तो उस पर काफी इमोशनल डैमेज हो गया था। दूसरी बार ऑफिस में सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया, मगर इस बार मैं माही को उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। हालांकि इस चीज में मैं ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई ट्रिक के बारे में पता है, मगर जब तक मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं माही को एक अच्छा वक्त दे सकता हूँ और आज रात मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। अगले दिन जंगल के बीच कोर्टयार्ड में अपनी प्यार भरी रात गुजारने के बाद माही की नाइट ऑफ स्टारलाइट की क्वीन बनने की खबर हर जगह छा गई थी। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर सिर्फ माही ही छाई हुई थी। नाइट ऑफ स्टारलाइट, माही सिन्हा स्लेट द रैंकिंग बॉल, नोबडी एस्केप्ड, रिटर्न ऑफ द क्वीन माही सिन्हा, नो मोर प्लेस फॉर फेक क्वींस, इन्वेस्टर्स ऑफ ये दुनिया टीवी सीरीज स्टार्ट पुलिंग आउट। माही का ये इम्पैक्ट बिल्कुल वैसा ही था जब उसे गायब होने से पहले कई सारे अवार्ड्स मिले थे, और अब माही तेजी से लोगों की नजरों में वापस लौट आई और हर एक न्यूज आर्टिकल सिर्फ उसी के बारे में बातें कर रहा था। नाइट ऑफ स्टारलाइट के बाद सारिका शुक्ला, जिसने द फैंटम ऑफ द ऑपेरा में क्रिस्टीन का रोल प्ले किया था, वो भी अपने प्रोफेशनल और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से रातों रात फेमस बन गई। इसके साथ ही साथ ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की कंपनी में भी कई सारे मेजर शिफ्ट होने लगे। सीईओ प्रीतम सिंह को काम से निकाल दिया गया था और ओबेरॉय कॉरपोरेशन की तरफ से एक नए सीईओ को अपॉइंट किया गया था। ये खबर काफी तेजी से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फैल गई। प्रीतम सिंह ड्रिंक करने के लिए किसी पब पर गया था
जहां उसने सबको ये बताया कि उसके बिना ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उसने ये भी बड़ा चढ़ा कर कहा कि किस तरह उसने प्रिया कपूर को ग्रूम किया और इसी वजह से आज वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाई थी। मगर अंत में एक ही रात के बाद पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एकदम से बदल गई। अपने कमबैक का अनाउंसमेंट करने के बाद माही ने नाइट ऑफ स्टारलाइट के इवेंट को डोमिनेट किया और उसने अकेले ही सारिका शुक्ला को भी आगे बढ़ाया। ये देखकर प्रीतम ने गुस्से में मन ही मन में कहा, Damn it, इस औरत ने तो अकेले ही पूरे ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का नक्शा बदल दिया। प्रीतम सिंह अपने सोफे पर बैठे हैरान लगते हुए हर न्यूज चैनल के हेडलाइन पर माही का नाम देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्टारलाइट एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग में हर जगह काले बादलों का साया मंडरा रहा था। ना ही सब लोग सिर्फ प्रिया कपूर की हार की वजह से उदास थे, बल्कि नाइट ऑफ स्टारलाइट पर हारने के बाद पूरा स्टारलाइट एंटरटेनमेंट ही टूट चुका था। ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को एक वक्त पर हरा देने के बाद स्टारलाइट की टीम इस बार बुरी तरह से हार चुकी थी। मीटिंग के दौरान स्टारलाइट के सीईओ के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी काला पड़ चुका था और उसने अनाउंस करते हुए कहा, खबर फैला दो कि ये दुनिया की टीवी सीरीज का प्रोजेक्ट कुछ वक्त के लिए ब्रेक पर रहने वाला है। उन्होंने स्पेसिफिकली कोई बात नहीं की, मगर सब लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि कई सारे मेन इन्वेस्टर्स प्रिया की पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस से नाखुश थे और कल रात के नाइट ऑफ स्टारलाइट की इवेंट के बाद सब लोग पीछे हटने लगे। और तो और डायरेक्टर राकेश ने भी अपने डायरेक्टर के रोल से रिजाइन कर लिया था। प्रिया के मैनेजर का एक्सप्रेशन काफी उदास लग रहा था और उसने नाराज लगते हुए कहा, मुझे अभी अभी ये खबर मिली है कि प्रिया डायरेक्टर चिराग दुबे के साथ जिस मूवी पर काम कर रही थी उनका सेंसरशिप पास नहीं हुआ। प्रिया की मैनेजर की बात का ये मतलब था कि उन्होंने जितनी भी मेहनत की और इंटरनेशनल अवार्ड पाने के लिए जो कुछ भी किया वो सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। प्रिया के मैनेजर ने फिर अपने पास बैठे पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर को देखा और उस पर चिल्लाते हुए उससे कहा, तुम तो पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर हो ना, आखिर तुम कर क्या रहे हो? हमने तुमसे कहा था ना कि चीजों का ध्यान रखना, चिराग दुबे की इस फिल्म के साथ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती थी। क्या तुम यहाँ पर कोई शोपीस बनकर सैलरी ले रहे हो? तुम तो सच में बहुत ज्यादा निकम्मे हो। प्रिया के मैनेजर की ऐसी बातें सुनकर पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर गुस्से में हंसने लगा और उसने टेबल पर अपना रेजिग्नेशन लेटर पटकते हुए कहा, आई एम सॉरी, मगर अब मैं यहाँ पर और काम नहीं कर सकता, और क्योंकि मैनेजर होने के नाते तुम बहुत काबिल हो तो आगे से अपने मैस को अपने आप ही क्लीन अप करो। ये सुनकर प्रिया की मैनेजर काफी नाराज लगने लगी, मगर उसने और कुछ भी नहीं कहा। उसने फिर मन ही मन में कहा, इस आदमी को बिल्कुल भी अकल नहीं है, ऐसे वक्त पर ये कंपनी छोड़कर जाना चाहता है। फिर प्रिया की मैनेजर ने सीईओ की तरफ देखकर उसे पूछा, सर क्या आप इसके बारे में कुछ करने वाले हो या नहीं? सीईओ काफी परेशान लग रहा था और उसने मन ही मन में कहा, Damn it, ऐसे वक्त पर तो रागिनी मैडम भी यहाँ मौजूद नहीं है। अपनी परेशानी के मारे सीईओ ने फिर कहा, बेहतर होगा कि हम नए पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर का इंतजाम करें ताकि वो अपने काम को टेक ओवर कर ले और बात संभाल ले। ये सुनकर प्रिया की मैनेजर काफी परेशान लगने लगी और उसने सीईओ से पूछा, तो फिर तब तक प्रिया को क्या करना चाहिए? उस चुड़ैल की वजह से प्रिया बहुत थक चुकी है, सर आपको कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। कल रात की बेइज्जती के बाद सच तो ये था कि प्रिया कपूर इस मीटिंग को अटेंड ही नहीं करना चाहती थी। स्टारलाइट का सीईओ ये बात अच्छी तरह से जानता था, मगर वो इस बात को छेड़ना भी नहीं चाहता था। उसने परेशान लगते हुए प्रिया की मैनेजर से कहा, ये खबर रिलीज कर दो कि प्रिया हॉलीवुड में कदम रखने जा रही है। ये सुनकर प्रिया की मैनेजर काफी कॉन्फिडेंट महसूस करने लगी और उसने हामी भरते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा सर, चाहे वो माही सिन्हा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो तो सिर्फ इंडिया में ही फेमस है। प्रिया को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए सिर्फ एक ही साल हुआ है,
और वो टॉप प्रोड्यूसर जेक के साथ एक हॉलीवुड फिल्म में कदम रखने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी इस मीटिंग में इसीलिए नहीं थी क्योंकि युवराज बर्मन ने उसे सुबह फोन किया था और उसने रागिनी से ये कहा था कि वो आज रात डिनर पर उससे कुछ बात करना चाहता था। इतने सालों तक युवराज को जानने के बाद वो समझ गई थी कि युवराज उससे क्या बात करना चाहता था। ना ही सिर्फ पिछले कुछ दिनों से रागिनी जो कुछ भी कर रही थी वो कामयाब नहीं हुआ, बल्कि उसकी वजह से युवराज ने रागिनी को डाइवोर्स देने का मन भी पक्का कर लिया था। और अब रागिनी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि आज रात युवराज रागिनी को अपना फैसला सुनाने जा रहा था। ड्रेसिंग टेबल के सामने रागिनी अपने मेकअप का टचअप कर रही थी और इसके बारे में सोचते हुए उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। नीचे डाइनिंग एरिया के पास मिसेस बर्मन बार बार ऊपर की तरफ देख रही थी। शायद उन्हें इस बात की भनक लग चुकी थी कि आज रात उनका बेटा रागिनी को सब कुछ बताने जा रहा था और उन्होंने इम्पेशेंट लगते हुए पूछा, क्या रागिनी अभी अपने कमरे से निकली है या नहीं? युवराज ने तो उससे कहा था ना कि वो उसे आज रात को सब कुछ बता देगा। जब से मिसेस बर्मन को इस बात की खबर मिली थी तब से लेकर वो अपने दोस्तों के बीच ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगी थी क्योंकि वो जानती थी कि बहुत जल्द ही प्रताप परिवार के साथ उनका रिश्ता जुड़ने वाला था। इस वक्त वो सिर्फ इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि आज रात रागिनी युवराज के फैसले को एक्सेप्ट कर ले। मिसेस बर्मन ने फिर अपने पति से पूछा, विष्णु आपको लगता है कि रागिनी इस फैसले के खिलाफ कुछ करेगी? ये सुनकर मिस्टर बर्मन ने जवाब देते हुए अपनी पत्नी से कहा, वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो जरूर करेगी, मगर हमने कभी उसे मिस्ट्रीट नहीं किया। ये सुनकर मिसेस बर्मन काफी नाराज लगने लगी और उन्होंने कहा, मिस्ट्रीट? ना ही सिर्फ हमने उसे इस पहले साल में मिस्ट्रीट नहीं किया, बल्कि उसके परिवार वालों ने तो हमें बहुत बड़ा धोखा भी दिया। क्या आप जानते भी हो कि बाहर वाले हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं? सिर्फ कुछ ही दिनों पहले उस यामिनी के माँ बाप ने मुझसे ये कहा कि युवराज एक गाँव की लड़की को अपनी पत्नी बनाकर लाया है। क्या आप चाहते हो कि हमारा बेटा जिंदगी भर इसी तरह शर्मिंदा होता रहे? अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर मिस्टर बर्मन काफी लाचार लगने लगे और उन्होंने पूछा, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चाहे जो भी हो जाए हमें युवराज को पूरी तरह से सपोर्ट करना ही होगा, और अगर रागिनी सच में युवराज से प्यार करती है तो उसे युवराज के फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा। जब मिस्टर एंड मिसेस बर्मन डाइनिंग एरिया के पास एक दूसरे से धीमी आवाज में बातें कर रहे थे तभी अचानक ऊपर वाले कमरे से एक नौकरानी की चीख सुनाई दी। उसने घबराहट के मारे चिल्लाते हुए कहा, अरे रागिनी मैडम ये आपको क्या हो गया? उठ जाइए। अरे नहीं, कोई है प्लीज मेरी मदद करो, रागिनी मैडम बेहोश हो चुकी है। जब मिस्टर एंड मिसेस बर्मन ने उस नौकरानी की ऐसी घबराई हुई आवाज सुनी तो वो दंग रह गए और मिसेस बर्मन ने नाराज लगते हुए कहा, क्या रागिनी बेहोश हो चुकी है? इस बात से मिस्टर बर्मन के चेहरे का एक्सप्रेशन भी पूरी तरह से बदल गया। वो दोनों तेजी से रागिनी के कमरे की तरफ गए और उन्होंने देखा कि रागिनी अपने ड्रेसिंग टेबल के पास बेहोश पड़ी हुई थी और नौकरानी जोर जोर से रोई जा रही थी। मिसेस बर्मन ने नौकरानी की तरफ देखकर उससे पूछा, क्या हो गया? आखिर रागिनी अचानक बेहोश कैसे हो गई? वहां खड़ी नौकरानी काफी घबराई हुई लग रही थी और उसने जवाब देते हुए मिसेस बर्मन से कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पर मैडम को उनके कपड़े देने आई थी, मगर फिर मैंने देखा कि मैडम तो पहले से ही जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। ये सुनकर मिस्टर बर्मन ने तुरंत ऑर्डर करते हुए नौकरानी से कहा, जल्दी से ड्राइवर से कहो कि वो रागिनी मैडम को हॉस्पिटल ले जाए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखकर उससे कहा, और युवराज को भी सीधे वहीं पर आने के लिए कह दो। मिसेस बर्मन के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी बिगड़ा हुआ लग रहा था। वो अपने पति से कुछ कहना चाहती थी, मगर जब उन्होंने रागिनी को इस तरह बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े हुए देखा तो वो रुक गई और उन्होंने मन ही मन में कहा, आखिर आज ही इस लड़की को बेहोश क्यों होना था?